ये वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बारे में। यहाँ से आपको बता दूं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस व एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स को विश्वविद्यालय ने आज घोषित कर दिया है। तो शीर्षक से संबंध कॉलेजों व संस्थानों का बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स तृतीय व पांचवें सेमेस्टर, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम व तृतीय सेमेस्टर दिसंबर 2022 का परिणाम घोषित हो गया है, जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध है। तो सभी छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट को जाकर के देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय ने कौन कौन से रिजल्ट जारी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बीएससी एनईपी सेमेस्टर फर्स्ट, बीए एनईपी सेमेस्टर फर्स्ट, बीकॉम एनईपी सेमेस्टर फर्स्ट, बीए एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर, बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर, बीकॉम एलएलबी थर्ड सेमेस्टर, उसके बाद बीए एनईपी सेकंड सेमेस्टर, बीए एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर और बीए एनईपी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी एनईपी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, सभी रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, बीटेक ऑल ब्रांच फिफ्थ सेमेस्टर, एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्पेशल सेकंड ईयर, एमपीटी स्पेशल सेकंड ईयर, एमएससी नर्सिंग स्पेशल सेकंड ईयर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी स्पेशल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, बीपीटी स्पेशल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर, बीओटी स्पेशल सेकंड ईयर, बीएससी नर्सिंग स्पेशल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी स्पेशल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। तो ये सभी रिजल्ट्स यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। जो छात्र छात्राएं इन रिजल्ट से, इन कोर्स से रिलेटेड है, वो अपने रिजल्ट को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर अपने रोल नंबर को एंटर करके कैप्चा को डाल करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर किसी छात्र छात्राओं को रिजल्ट निकालने में कोई परेशानी हो रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की। विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है कि विश्वविद्यालय की बीए बीएससी बीकॉम एनईपी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2022 और 23 की परीक्षा मई माह में प्रस्तावित होनी है। विश्वविद्यालय से समस्त संबंध महाविद्यालयों संस्थानों के लिए बीए बीएससी बीकॉम एनईपी द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर कोड चयन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल खोला जा रहा है। अतः विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय संस्थानों से अपेक्षित है कि बीए बीएससी बीकॉम एनईपी के पेपर कोड 3 मेजर, फर्स्ट माइनर और फर्स्ट वोकेशनल और एक को करिकुलर का एनईपी के नियमानुसार चयन दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में संबंधित महाविद्यालय संस्थान के परीक्षा फॉर्म रोक दिए जाएंगे, जिसका समस्त उत्तरदायी संबंधित महाविद्यालय संस्थान का होगा। उसके साथ ही आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर और बैक परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सहारनपुर में 8, मुजफ्फरनगर में 4 और शामली में 2 केंद्र बनाए गए हैं। पहले वर्ष की एवं बैक परीक्षाओं की तिथि और केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस के द्वारा भी दिनांक 25/4/2023 से प्रारंभ होने वाली विश्वविद्यालय की सत्र 2022 और 23 में संचालित सेमेस्टर प्रणाली के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर दिसंबर 2022 की पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची दी गई है। तो छात्र छात्राएं अपने परीक्षा केंद्र को देख लें कि आपका कौन सा सेंटर कहां पर बना है, तो इस हिसाब से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने सेंटर पर परीक्षा देंगे। उसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस और जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय की द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2022 और 23 की परीक्षा मई माह में प्रस्तावित होनी है। परीक्षा केंद्र से पूर्व ही आंतरिक परीक्षाओं के ऑनलाइन अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा आंतरिक परीक्षाओं के अंक के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय संस्थानों से अपेक्षित है कि दिनांक 29 अप्रैल 2023 तक आंतरिक परीक्षा कराकर अंक पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात ऑनलाइन अंक पढ़नों की प्रति, कुल सचिव प्रति एवं टेबुलेटर प्रति को अपने विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में संबंधित महाविद्यालय संस्थान के परीक्षा फॉर्म रोक दिए जाएंगे, जिसका समस्त उत्तरदायी संबंधित महाविद्यालय संस्थानों का होगा। कल से सभी छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो सभी छात्र छात्राएं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड पर क्लिक करके वहां से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू होते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।